हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको मेरे रोज़ के वीडियो देखने मिलेंगे, वो भी फ्री में। ये वीडियो वीकली एनालिसिस है। इन लेवल्स को आप इंट्राडे लेवल्स में इंट्राडे में यूज़ ना करें। ये वीकली लेवल्स हैं तो आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ ना करें। इंट्राडे लेवल्स के लिए मैं रोज़ वीडियो बनाता हूं, आप उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस वीक के कौन कौन से डेटा आने वाले हैं। ये आ गया डेटा का, चलिए देखते हैं। मंडे को चाइना का GDP का डेटा है, ध्यान रखिएगा। ट्यूजडे को ब्रिटेन का क्वार्टरली एवरेज अर्निंग इंडेक्स है। ट्यूजडे को ही मंथली कोर रिटेल सेल्स डेटा है और रिटेल सेल्स डेटा है मंथली US का। और ट्यूजडे को ही फेड चेयरमैन पावल का स्पीच है। बड़ा ही टाइम है फेड चेयरमैन के पास, हर वीक आ जाते हैं स्पीच देने। चलिए वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। थर्सडे को ब्रिटेन का मंथली रिटेल सेल्स है। ये सारे टाइमिंग्स आप इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देख रहे हो। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है US का। अब हम आ गए फ्राइडे पे। फ्राइडे में प्रीलिम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, तो बस यही है, यही सारे डेटा हैं। बीच में अगर कुछ ट्रंप जी ने ट्वीट कर दिया तो वो अलग बात है। चलिए वापस चार्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1382 का जो सपोर्ट था वो मार्केट ने इस वीक नहीं तोड़ा। इनफैक्ट वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट रिवर्स हो गया है। डबल टॉप जो था वो अभी फिलहाल अभी भी कह सकते हो अभी भी कायम है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो डबल टॉप इनवैलिड हो जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूँ आपको इस वीक के। गोल्ड का सपोर्ट है $1380। गोल्ड का रेजिस्टेंस है 1445। 1380 से नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट 1350 और 1320 वापस से जा सकता है। 1445 से ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो 1480 और $1500 जा सकता है। जिस तरीके से मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है उस तरीके से मुझे लग रहा है 1450 पहले जाएगा। बाकी इंट्राडे लेवल्स आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्राडे लेवल्स इंट्राडे ट्रेंड के साथ आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चांदी को देखते हैं। यह है चांदी का चार्ट। 1480 के आसपास का लो बनाया था, 1490 के आसपास वापस से बाउंस कर दिया। चांदी में इतना कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेन मूवमेंट गोल्ड में ही हो रहा है। सिल्वर का रेजिस्टेंस 1560 का है। सिल्वर का सपोर्ट 1470 का है। 1560 से ऊपर मार्केट निकला और क्लोज दिया, ध्यान रखिएगा ये सारे लेवल्स जो हैं ये क्लोजिंग बेसिस के लेवल्स हैं। 1560 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट $1620 और $17 जा सकता है। 1470 से नीचे क्लोज हुआ तो $14 वापस से जा सकता है। ये लेवल्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ मार्केट आवर्स में, आप वो देखें। और गोल्ड और सिल्वर का जो अभी ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव ही है, अभी फिलहाल ट्रेंड वीक नहीं है। पिछले वीक थोड़ा वीक हुआ था लेकिन मार्केट में जिस तरीके से तेज़ी आई फ्राइडे को उसकी वजह से थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल सा लग रहा है। फ्लैट टू पूरा पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा बट फ्लैट टू पॉजिटिव ज़रूर हो गया है। बाकी अब इंट्राडे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं जल्दी से। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है। 60 के ऊपर क्लोजिंग देती है जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 56.50 का।
रेजिस्टेंस रहेगा 6320 का। 5650 के अगर नीचे मार्केट निकला और क्लोजिंग दे दी तो मार्केट वापस से $54 और $50 जा सकता है। 6320 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो वापस से 66 और $70 जा सकता है। क्रूड ऑयल के ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही है। ये आज इस ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा है बिकॉज मार्केट में इतना ज़्यादा कोई हलचल नहीं हुआ है। बाकी इंट्राडे लेवल्स पे आप ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें। मेरी सर्विस लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई सवाल करना है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। चलिए कल मंडे वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।